मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर मुंबई नगर निकाय ने शुक्रवार को कहा कि शिवाजी पार्क बुक करने के वास्ते उसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिवसेना के राजनीतिक कैलेंडर में ये रैली सबसे महत्वपूर्ण आयोजन मानी जाती है और कई दशकों से पार्टी की ये परंपरा चली आ रही है, परंतु इस साल इस रैली के दो दावेदार हैं क्योंकि जून में शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। मुंबई के शिवाजी पार्क की बुकिंग के वास्ते मुंबई नगर निकाय को पिछले महीने दो आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन 22 अगस्त को मिला, जो शिवसेना के ठाकरे गुट से भेजा गया था, और दूसरा आवेदन गणेश उत्सव से ठीक पहले शिंदे गुट ने भेजा था। अभी तक किसी भी आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले की तरह शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगी। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रैली के लिए पार्टी के आवेदन को मंजूरी मिलने में दिक्कत पेश आ रही है। शिवाजी पार्क में पहली रैली 1966 में हुई थी, जिसे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने संबोधित किया था। इस रैली में राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं।